तो मूवी शुरू होती है एमेरल्ड सिटी से, जो लैंड ऑफ ओज नाम के एक मैजिकल कंट्री में बसी है। यही हम सिटी के लीडर स्केयरक्रो और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो किसी बात से बहुत घबराए हुए हैं और प्लान करते हैं कि मदद के लिए उन्हें डोरोथी को बुलाना चाहिए, एक ऐसी इंसानी लड़की जो पहले भी एक विकेट विच को हराने में उनकी हेल्प कर चुकी है। असल में उस विच की मैजिकल छड़ी उनकी प्रोटेक्शन में थी, जो अब एक शैतान जेस्टर के हाथ लग चुकी है और वो उसकी मदद से उस पर कब्जा करना चाहता है। जेस्टर के फ्लाइंग मंकीज उन्हें पकड़ने आ रहे हैं और उससे पहले ही वो डोरोथी तक मैसेज भेजना चाहते हैं, जिसके लिए स्केयरक्रो अपनी रेनबो मशीन का यूज करता है। आगे का सीन कैंसस सिटी का है, जहाँ डोरोथी अभी अभी नींद से जागी है और देखती है कि उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। पता चलता है कि रात को वहाँ एक टोर्नाडो आया था, जिससे पूरे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है और लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक गवर्नमेंट एजेंट वहाँ आता है, जिसका कहना था कि वो सिटी के डिजास्टर डिपार्टमेंट से है और लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे कर रहा है। उनके लाख समझाने के बावजूद वो उनके घर को अनफिट घोषित कर देता है और कहता है कि सुबह तक उन्हें इसे खाली करना होगा। डोरोथी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर के आगे उनकी एक नहीं चलती और अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डोरोथी को लगा कि वो इस डैमेज को आसानी से ठीक कर लेंगे, पर जितना उसने सोचा था ये काम उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था और उदास होकर वो अपने डॉग के साथ एक हिल पर आ जाती है। तभी उसकी नज़र एक रेनबो पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और एक जगह आकर उसे पकड़ लेता है। वो और उसका डॉग हवा में उड़ने लगे थे और डोरोथी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे स्केयरक्रो दिखाई देता है, जो बताता है कि ये रेनबो उसका नया इन्वेंशन है और वो लोग उसे एमेरल्ड सिटी में ला रहे हैं। पर इससे पहले कि वो उसे पूरी बात बता पाए, फ्लाइंग मंकीज उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मशीन को छोड़कर भागना पड़ता है। इससे डोरोथी बीच में ही एक दूसरी सिटी में आ गिरती है और अब उसे एमेरल्ड सिटी जाने का रास्ता ढूंढना होगा। वहीं जेस्टर के पैलेस में मंकीज एक दूसरी सिटी के लीडर ग्लेंडा को पकड़कर लाते हैं, जो खुद भी एक पावरफुल मैजिशियन थी। उसे जोकर जैसा देखकर ग्लेंडा की हंसी छूट जाती है और तब जेस्टर बताता है कि ये विकेट विच के कर्स के कारण है, जिससे वो चाहकर भी इस रूप को नहीं बदल सकता। वो कहता है कि ये सब अब बदलने वाला है, क्योंकि विच की छड़ी और ऑर्ब उसके हाथ लग चुके हैं, जिसके मैजिक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे पता चलता है कि उसने काफी सारे दूसरे लीडर्स को भी कैद किया हुआ है, जो मैजिक के कारण अब पपेट में बदल चुके हैं और ग्लेंडा का भी वो वही हाल करता है। फिर वो अपने हेड मंकी को एमेरल्ड टावर में जाने को बोलता है कि स्केयरक्रो और उसके दोस्तों को पकड़कर यहाँ ले आओ। तभी उसकी नज़र अपने मैजिकल मिरर पर जाती है, जहाँ वो डोरोथी को कैंडी सिटी की ओर जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये लड़की उसके लिए मुसीबत बन सकती है। वो मैजिक से उस सिटी के साइन को चेंज कर देता है, ताकि उसे आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि कैंडी सिटी में कुछ भी तोड़कर खाना क्राइम माना जाता था। वही डोरोथी इसे बेखबर आगे बढ़ रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक फैट आउल वाइजर से होती है, जो इस जंगल के सभी रास्ते जानता था। डोरोथी उससे मदद मांगती है, जिस पर वाइजर कहता है कि वो उड़ तो नहीं सकता, पर साथ चलकर उसे रास्ता दिखा सकता है। जल्दी ही वो उस कैंडी सिटी में आते हैं, जहाँ के साइन को जेस्टर ने चेंज कर दिया था और भूखा होने के कारण वो खुद को खाने से नहीं रोक पाते। तभी एक ऑफिसर जिसका नाम मार्शल मेलो था, वहाँ आकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि तुमने कैंडी सिटी का सबसे बड़ा क्राइम किया है और इसके लिए तुम्हें कोर्ट चलना होगा। वहाँ वो जज को उन साइंस के बारे में बताते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और मार्शल से उन्हें एग्जीक्यूट करने को बोलता है। तब वाइजर उन्हें डोरोथी के बारे में बताता है, जिसे सभी लोग अपना हीरो मानते थे, और ये सुनकर जज उन लोगों को फ्री कर देता है और वो लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। मार्शल भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो भी अपने लीडर एप्पल को ढूंढ रहे हैं, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनका अगला स्टॉप था चाइना कंट्री, जहाँ की हर आइटम बोन चाइना से बनी थी और एमेरल्ड सिटी का रास्ता वहीं से होकर गुजरता था, पर गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि इसकी परमिशन सिर्फ प्रिंसेस दे सकती है, लेकिन वो आज अपने स्वयंवर में बिजी है। तब डोरोथी एक प्लान बनाती है और वो मार्शल को एक प्रतियोगी बताकर अंदर पहुँच जाते हैं। प्रिंसेस से शादी करने के लिए वहाँ काफी लोग आए थे, लेकिन वो हर किसी में कोई ना कोई कमी बताकर उन्हें बाहर निकाल देती है। आखिर में बारी आती है मार्शल की, जो पहले तो थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन फिर अपनी स्वीट सी वॉइस में एक गाना सुनाता है और लगता है कि प्रिंसेस उसे पसंद करने लगी है। पर अचानक एक अर्थक्वेक से वहाँ भगदड़ मच जाती है और मार्शल प्रिंसेस को टूटने से बचाता है। प्रिंसेस जानती थी कि ये सब जेस्टर का काम है, जो काफी टाइम से उन्हें तंग कर रहा था, लेकिन इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी।
मौका देखकर डोरथी प्रिंसेस को अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन प्रिंसेस ने इसका गलत मतलब निकाल लिया था। उसे लगता है कि शायद जेस्टर डोरथी को ही रोकना चाहता है, इसीलिए उसने ये अर्थक्वेक भेजा था और वो इसके लिए डोरथी को जिम्मेदार बताती है। डोरथी कहती है कि वो किसी जेस्टर को नहीं जानती और यहाँ तो वो स्केयरक्रो के कहने पर आई है ताकि इस मैजिकल दुनिया के लोगों की मदद कर सके। पहले तो प्रिंसेस को खूब हंसी आती है, लेकिन फिर उसका ध्यान अपने लोगों और टाउन की ओर जाता है। उसे शायद डोरथी की बातों पर यकीन हो गया था और वो भी इस काम में उनकी मदद करने को बोलती है। आगे का सीन एमरल्ड टावर का है, जहाँ स्केयरक्रो और उसके दोस्त उन मंकीज का मुकाबला कर रहे हैं, पर वो उनसे ज्यादा देर नहीं बच पाते और मंकी उन्हें पकड़कर जेस्टर के पास ले आते हैं। उन्हें भी जेस्टर अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो विकेट विच उसकी असल में रियल सिस्टर थी, जो उस पर बहुत अत्याचार करती थी, पर उसका मकसद तो बस उसकी मैजिकल छड़ी पाना था, जो अब उसके हाथ लग चुकी है। फिर वो उन्हें स्पेशली डिजाइन किए हुए टॉर्चर चैम्बर में डाल देता है और कहता है कि अब उसे बस डोरथी को रोकना होगा। उधर डोरथी और उसके दोस्त एक टूटे हुए ब्रिज तक आते हैं, जिसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब मार्शल सजेस्ट करता है कि उन्हें इस रिवर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा एमरल्ड सिटी तक जाती है, पर इसके लिए उन्हें एक बोट बनानी होगी। वहाँ आसपास काफी सारे पेड़ थे, लेकिन हाथ लगाते ही वो जिंदा हो उठते हैं और डोरथी और उसके दोस्तों पर अटैक करने लगते हैं। भागते वो एक बूढ़े पेड़ के पास आते हैं, जो उन्हें मुसीबत में देखकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वैसे भी मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। फिर वो सब अपनी बोट बनाना शुरू करते हैं, जिसमें आसपास के कुछ छोटे एनिमल्स भी उनकी मदद करने आते हैं और जल्द ही उनकी बोट तैयार हो जाती है। एमरल्ड सिटी आकर वो सीधा उस टावर में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। यही डोरथी स्केयरक्रो का वीडियो मैसेज देखती है, जो कि उस शैतान जेस्टर के बारे में था, और तभी वो शैतान खुद उनके सामने आ जाता है। डोरथी देखती है कि उसके सभी साथी जेस्टर की कैद में हैं, जो उसे वापस कैंसर सिटी जाने को कह रहा है, और साथ ही उसने अपने मंकीज को उन्हें पकड़ने भेजा है। वो भाग कर अपनी बोट पर आते हैं, जो तेजी से उन्हें वहाँ से दूर ले जाने लगती है। तभी वो एक गुफा को देखते हैं और प्रिंसेस बोट से सीधा उसके अंदर जाने को बोलती है। मंकीज उनके पीछे नहीं जा पाते, क्योंकि वो अंधेरे से बहुत डरते थे, और ये देखकर जेस्टर को बहुत गुस्सा आता है। उधर गुफा में उनका सामना कुछ फायरफ्लाइज से होता है, जो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर पता चलता है कि ये सब भी जेस्टर की ही चाल थी। उसने उन्हें एक वॉटरफॉल के रास्ते पर भेज दिया था, जिससे वो बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बच पाते और बोट के साथ नीचे गिर जाते हैं। जेस्टर इस बात से बहुत खुश था कि शायद अब डोरथी का खेल खत्म हो गया है, लेकिन डोरथी और उसके साथी बच गए थे और किसी तरह उस वॉटरफॉल से बाहर आ जाते हैं। तभी उनकी नजर प्रिंसेस पर पड़ती है, जो गिरने से टूटकर चकनाचूर हो गई थी, और ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, खास करके मार्शल को, जिसने प्रिंसेस को सेफ रखने का वादा किया था। डोरथी कहती है कि आगे का रास्ता वो अकेले ही तय करेगी, क्योंकि वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, और ये कहकर वो अपने डॉग के साथ वहाँ से चली जाती है। जेस्टर को भी उसके जिंदा होने का पता चल गया है, जिसे लगता है कि इसके लिए उसका हेड मंकी जिम्मेदार है। गुस्से में वो छड़ी से उसके विंग को छोटा कर देता है, ताकि वो आगे से कभी ना उड़ पाए, और जाकर उसे डोरथी के लिए कुछ अरेंजमेंट करने को बोलता है। वहीं मार्शल वाइजर को डोरथी के पीछे जाने को कहता है, जो हिम्मत करके अब उड़ने लगा था और खुद प्रिंसेस के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। जल्दी ही उसकी मेहनत सफल हो जाती है और प्रिंसेस अब दोबारा से जिंदा हो गई थी। उधर डोरथी भी जेस्टर के कैसल तक पहुंच जाती है, जहां वो एक मैजिक कारपेट से उसे अंदर खींच लेता है। वहां सबसे पहले उसे ग्लिंडा दिखाई देती है, जो एक पपेट की तरह जेस्टर की तारीफ कर रही थी, और बाकी लीडर्स भी ऐसा ही करने लगते हैं। फिर उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है, लेकिन तभी जेस्टर वहां आता है और कहता है कि मुझे ये पावर तुम्हारे कारण मिली है, क्योंकि तुम ही थे जिसने उस विकेट विच को मारा था, और अब उसकी छड़ी मेरे कब्जे में है। डोरथी भी उसके हाथों पपेट में बदलने वाली थी, लेकिन तभी उसके डॉग के कारण एक कर्टेन जेस्टर पर आ गिरता है और डोरथी इसका फायदा उठाकर अपने दोस्तों को फ्री करा लेती है। अचानक वो हेड मंकी उस छड़ी को लेकर भाग निकलता है, क्योंकि वो उससे अपने विंग्स को ठीक करना चाहता था। जेस्टर किसी तरह उस छड़ी को दोबारा हासिल कर लेता है, लेकिन मैजिकल ऑर्ब उससे अलग हो गया था। वहीं डोरथी अपने डॉग को बचाने के चक्कर में नीचे गिरने लगती है, लेकिन एंड टाइम पर वाइजर आकर उसे बचा लेता है, और वो देखते हैं कि मार्शल और प्रिंसेस भी बोट लेकर उनकी मदद करने आए हैं, जिनके साथ उनके सोल्जर्स भी हैं। जेस्टर हेड मंकी को अपनी आर्मी बुलाने को बोलता है, और वहाँ उनके और डोरथी के फ्रेंड्स में वॉर शुरू हो जाती है।
उधर जेस्टर अभी भी उस ऑर्ब को ढूंढ रहा था जो जल्द ही उसे मिल जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके मंकीज लड़ाई छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन अब उसे उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑर्ब को लगाते ही छड़ी फिर से एक्टिवेट हो जाती है और जेस्टर उसकी पावर से एक टोर्नाडो क्रिएट करता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। डोर्थी सबको छुपने को बोलती है और खुद अकेले जेस्टर का मुकाबला करने जाती है। टोर्नाडो उसके बहुत करीब आ गया था और ऐसा लगता है जैसे डोर्थी उससे नहीं बच पाई। जेस्टर खुशी के मारे नाचने लगता है और ये भी नहीं देख पाता कि डोर्थी छुपकर उसके पीछे पहुंच चुकी है और छड़ी को उसके हाथों से छीन लेती है। इससे जेस्टर का मैजिक टूट जाता है और सभी लीडर्स वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी वो टोर्नाडो जेस्टर को अपने अंदर खींचने लगता है, लेकिन डोर्थी और उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। जेस्टर उसे माफी मांगता है कि मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था और अगर तुम चाहो तो मैं इस मैजिकल किंगडम पर राज करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डोर्थी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है कि यहाँ का ध्यान रखने के लिए बहुत से लीडर्स हैं जिन्हें इस मैजिकल ऑर्ब या छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो ऑर्ब को तोड़ डालती है और छड़ी को उस टोर्नाडो में फेंक देती है। जेस्टर उसे पकड़ने उसके पीछे कूदता है और वो दोनों उस टोर्नाडो के साथ गायब हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ग्लिंडा वहाँ आती है और डोर्थी को थैंक्स बोलती है कि तुम्हारे बिना हम उस शैतान को नहीं रोक पाते। फिर डोर्थी अपने फ्रेंड से अलविदा लेती है और ग्लिंडा अपने मैजिक से उसे उसकी दुनिया में भेज देती है। वहाँ उसकी फैमिली अपनी पैकिंग पूरी कर चुकी थी, लेकिन डोर्थी कुछ सोच कर उन्हें अपने साथ आने को बोलती है। वो लोग उस एजेंट के पास आते हैं जो लोगों के प्रॉपर्टी पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करा रहा था और डोर्थी सबको ऐसा करने से मना कर देती है। उसे उस एजेंट पर शुरू से ही शक था और तभी उसका डॉग उस एजेंट का पर्स उठाकर लाता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के आईडी कार्ड्स थे। इससे एजेंट का राज खुल जाता है जो कि असल में कौन मैन था और जल्दी ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इस तरह सभी लोग बेघर होने से बच गए थे और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।